इस्लाम का एक जर्री दलेर है। इस्लाम को एक ऐसा सबूत अल्लाह ने अता किया है कि यहूदी कहता है अगर 6 महीने ये शख्सियत दुनिया में और रहती तो शायद दुनिया में कोई काफर ना बचता। वो सबूत कौन है? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होते तो खत्ताब के बेटे उमर होते। लौकान नबी अम्बाद लकाना उमर इब्ने खत्ताब। मेरे बाद कोई नबी होते तो खत्ताब के बेटे उमर होते। तारीख का हवाला उठा रहा हूं, एक वरक उलट रहा हूं। इस उमर फारूक को दरे रसूल पर लाने वाली, इस उमर को अल्लाह के घर की तरफ रास्ता दिखाने वाली, इस फारूक आदम को दीन का सिपाही बनाने वाली, ये कोई और नहीं है, ये उमर फारूक की हमशीरा है। ये जनाबे उमर की बहन है। बहन ने भाई की काया ही पलट डाली। बहन ने जिम्मेदारी का एहसास किया। बहन ने जिम्मेदारी का एहसास किया तो इस रंग में कुरान पढ़ा के फारूक आजम फरमाते हैं मेरे दिल से कुफर दूर करके मुझे रसूलुल्लाह का गुलाम बना दिया है। बहन अगर जिम्मेदारी का एहसास करे, बहन 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 अगर जिम्मेदारी का एहसास करे। हजरत उमर फरमाते हैं, हजरत उमर कहते हैं मेरी एक नौकरानी ने, कनीजा ने कलमा पढ़ा, मैं उसे दुर्रों से मारा करता था। मैं तलवार लेके घर से निकला हुजूर को शहीद करने, तो मुझे किसी सहाबी ने कह दिया तू हुजूर को शहीद करने जा रहा है, घर की तो खैर मना, तेरी बहन और बहनोई भी कलमा पढ़ गए। कहते मैं गया, बाहर दरवाजे पे था तो मेरी हमशीरा अंदर कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। फातिमा बिनते खत्ताब, फातिमा बिनते, कितना पसंद है ये नाम सहाबा, किस किसने रखा हुआ है। फातिमा बिनते खत्ताब तिलावत कर रही थी, सईद बिन जैद बहनोई भी तिलावत सुन रहे थे। फरमाते मैंने कुरान सुन लिया, दरवाजे पे दस्तक दो जी। बहन ने दरवाजा खोला, कुरान पाक के सफे छुपा दिए। क्या कर रहे थे तुम लोग? तो बहन खामोश हो गई। मैंने कहा बोलते क्यों नहीं, मुझे किसी ने बतलाया है तुमने कलमा पढ़ा है? तो कहते मेरी बहन जो मुझसे इतना प्यार करती थी कि कभी बोली नहीं थी, कभी बाजों में कहता था हो जाता था, आज मैंने उस बहन की आंखों में तौहीद की लज्जत देखी, उसकी पेशानी में सजदे का नूर देखा, उसके लबो लहजे में रसूलुल्लाह की शरीयत की छाप देखी। तो मेरी बहन कहने लगी उमर तुमने जो सुना है सच सुना है, अब मैं और मेरा खामद मुस्तफा के नौकर हैं, अब हम दीन के पैरोकार हैं। कितने जोर से तमाचा मारा, मैं गिर गई, मेरे खामद को मारा पीटा, कभी झगड़ा नहीं हुआ था, आज पहले दिन उमर ने मारा, मेरी पेशानी से खून निकला, उठ के खड़ी हुई। मैंने कहा तू मुझे जान से प्यारा भाई है, जिंदगी भर तेरे सामने कभी मैंने कलाम नहीं किया, लेकिन उमर ये तौहीद की बात है, ये रसूलुल्लाह की बात है, अगर तू खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूं, जिस माँ की छातियों से तू दूध पी के जर्री हुआ है मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है, जितनी ताकत है तू लड़ा ले, जितनी हिम्मत है तू मार ले, लेकिन अब मैं रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ूंगी। हजरत उमर कहते हैं बहन की कुव्वत ईमानी ने, बहन की कुव्वत इरादी ने, बहन के तवक्कुल और यकीन ने मुझे मजबूर किया। मैंने कहा मेरी बहन के दिल में अगर कोई बात आई है तो उसमें सच जरूर होगा, और अगर बहन भाई को इस दलेरी के साथ दर्श दे रही है तो इसके अंदर कोई निखार है। मैंने कहा लाजरा तू क्या पढ़ रही थी? जनाबे उमर कहते हैं फिर बहन ने दलेरी वाला जवाब दिया, फरमाया ऐसे कैसे लाऊं, जा पहले गुसल करके आ, जा वुजू करके आ, कपड़े बदल के आ, ये रसूलुल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह की किताब है, बेवुजू बेगुसल नहीं पढ़ी जा सकी जा सकती। फरमाते मैं गुसल करके कपड़े बदल के जो बैठा, बहन ने कुरान पढ़ा, बहन ने कुरान पढ़ा। अल्लाह करे बहने भाइयों को कुरान सिखाने लगे, अल्लाह करे बहने भाइयों को हदीस सिखाने लगे, अल्लाह करे बहने अपने भाइयों को रसूलुल्लाह के दर पर झुकाने लगे, अल्लाह करे बहन कहने लगे आ जा मिल करके दोनों दीन की। बहन ने कुरान पढ़ा, फारूक आजम रो रो के निडाल हो गए। हजरत उमर कहते हैं बहन की जुबान से चंद आयते सुनी तो मैंने कहा मुझे बांध लो, हाथ बांध लो, मैं हुजूर को कत्ल करने के इरादे से आया था ना, मुझे बांध लो। करो आया सा मार मुकामने नू, हुन मैनू मार दे ले चलो, मते उमर दी उमर बर्बाद होवे जिथे उमर सवार दे ले चलो। अब मुझे ले जाओ उधर रिसालत माफ। एक बहन ने जिम्मेदारी का एहसास किया तो हजरत उमर जैसा सुपूत दिया। बहने अगर जिम्मेदारी का एहसास करे, जिम्मेदारी का एहसास करे तो इस्लाम में बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है।